स्कूल का नाटक। पेपा की क्लास एक नाटक करने वाली है। लिटिल रेड राइडिंग हुड। सभी बच्चों ने एक नाटक में भाग लिया है, उन्हें घर में प्रैक्टिस करनी होगी। पेपा होगी लिटिल रेड राइडिंग हुड। मम्मी पिग ने पेपा को तैयार किया है और डैडी पिग पेपा की प्रैक्टिस में मदद कर रहे हैं। तो बताओ पेपा, तुम्हें क्या बोलना है? मैं हूँ लिटिल रेड राइडिंग हुड। बहुत अच्छे। उसके बाद मैं अपनी दादी से मिलने जा रही हूँ। मैं दादी से मिलने जा रही हूँ। शाबाश पेपा। डैनी डॉग बनेगा बड़ा बुरा भेड़िया। दादा डॉग और मम्मी डॉग प्रैक्टिस में उसकी मदद कर रहे हैं। मैं हूँ बड़ा बुरा भेड़िया। बोलने के बाद हंसना नहीं डैनी। तुम्हें डरावना लगना चाहिए। देखो मैं कैसे करता हूँ। मैं हूँ एक बड़ा बुरा भेड़िया और मैं तुम सबको खा जाऊंगा। देखा? हाँ, सचमुच बहुत डरावना था। पेड्रो पोनी शिकारी बनने वाला है। वो पेपा को उस भेड़िये से बचाएगा। मैं एक शिकारी हूँ और पेड्रो थोड़ा शर्मीला है। नहीं, तुम कहना मैं तुम्हें भगा देने वाला हूँ बड़े बुरे भेड़िये। मैं तुम्हें भगा दूंगा बुरे भेड़िये। शाबाश पेड्रो। रेबेका रैबिट दादी बनने वाली है। मैं क्या बोलूँ मम्मी? देखते हैं। नाटक के शुरुआत में बड़ा बुरा भेड़िया तुम्हें अलमारी में बंद कर देगा। नाटक के अंत में तुम्हें शिकारी बचा लेगा और तुम कहोगी थैंक यू। कहो थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छे रेबेका। स्कूल में नाटक देखने सभी आए हैं। आप सभी का स्वागत है। हम पेश कर रहे हैं द लिटिल रेड राइडिंग हुड। तो पहले मिलते हैं हमारे कलाकारों से। प्लीज प्लीज, कलाकारों की फोटो लेना मना है, ऐसा मत कीजिए। और अब शुरू करते हैं हमारा नाटक दादी घर पर है। पर ये मेहमान कौन है? मैं हूँ बड़ा बुरा भेड़िया। क्या बात है डैनी? ओहो, आगे क्या बोलना है ये डैनी भूल गया। दादी आप अलमारी में चले जाओ। अलमारी में जाओ। बड़ा बुरा भेड़िया दादी बनने की नकल कर रहा है। मैं हूँ लिटिल रेड राइडिंग हुड। मैं दादी से मिलने जा रही हूँ। शाबाश पेपा। डैडी आपको फोटो नहीं खींचने चाहिए। ओहो सॉरी पेपा, जारी रखो। मैं अपने दादी से मिलने जा रही हूँ। ओह, तुम मेरी दादी की तरह नहीं दिख रही हो। तुम्हारी आंखें कितनी बड़ी हैं? तुम्हारे दांत कितने बड़े हैं? तुम मेरी दादी नहीं हो, तुम एक बड़े बुरे भेड़िये हो। बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ। पर देखो यहाँ कौन आया है? ये है शिकारी पेड्रो। बचाओ, कोई बचाओ। बिल्कुल सही वक्त पर, शिकारी पेड्रो। पेड्रो थोड़ा शर्मीला है। पेड्रो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? हाँ प्लीज। तुम बहुत ही शरारती भेड़िये हो। मैंने आपको बचा लिया दादी। थैंक यू। शाबाश शाबाश। बहुत अच्छे। पेड्रो तुमने बहुत अच्छा किया। तुम बिल्कुल मेरे जितने अच्छे थे। क्लोई का कठपुतली का खेल। पेपा और उसका परिवार अंकल पिग, आंटी पिग और कजिन क्लोई से मिलने जा रहे हैं। मुझे लगता है अंकल पिग हमेशा की तरह लंच खाने के बाद सो जाएंगे। डैडी पिग, आपको अपने भाई के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, खासकर बच्चों के सामने। पर सही तो है, अंकल पिग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और जोर जोर से खर्राटे मारकर सो जाते हैं। ये ऐसे
पेपा, जॉर्ज, मैंने जो कहा वो सब भूल जाओ। ठीक है डैडी। पेपा और उसका परिवार अंकल पिग और आंटी पिग के घर पहुंच गए हैं। हेलो आंटी पिग, हेलो अंकल पिग। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हो, तुम कैसे हो? अंकल पिग डैडी पिग के भाई हैं। क्लोई पिग पेपा और जॉर्ज की बहन है। हेलो क्लोई। हेलो पेपा, हेलो जॉर्ज, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। हमारे लिए रुको। ये है मेरा नया कठपुतली यानी पपेट थिएटर, मेरे डैडी ने मेरे लिए बनाया है। वाह। मैंने दो पपेट्स पहले ही बनाए हैं। इसका नाम है क्लोई। हेलो, मैं हूँ क्लोई पिग। और ये है मेरे डैडी अंकल पिग। हेलो पेपा, मैं हूँ अंकल पिग। क्लोई, क्या मैं और जॉर्ज भी पपेट्स बना सकते हैं? हाँ। क्लोई पपेट की आंखें पेंट कर रही है। मैं मुंह बनाऊं? हाँ बनाओ। मेरा नाम पेपा है। जॉर्ज, तुम्हें कौन सा पपेट बनाना है? डायनासोर। क्या, डायनासोर? जॉर्ज हर चीज के लिए डायनासोर ही कहता रहता है। ठीक है, डरावना डायनासोर पपेट बनाते हैं। क्लोई जॉर्ज के लिए डायनासोर बना रही है। इसे नुकीले दांत चाहिए, ऐसे। डरावना डायनासोर। लंच तैयार है। आ रहे हैं। खाने के बाद हम सबको पपेट शो दिखाएंगे। आंटी पिग ने खाने में नूडल्स बनाए हैं। ये नूडल्स तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। अब तक के सबसे बेस्ट नूडल्स। तुम दोनों भाई भाई हो, ये पता चल रहा है। हर चीज में एक जैसे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? हम बिल्कुल अलग हैं। पेपा, जॉर्ज और मैं सबको एक पपेट शो दिखाने वाले हैं। बहुत अच्छे, तैयारी हो जाए तो बताना। बाद में मिलते हैं। पपेट शो, मजा आएगा। क्या और नूडल्स खाने के लिए वक्त है? क्या मैं भी खा सकता हूँ? पपेट शो शुरू होने वाला है। हेलो, मेरा नाम है क्लोई। और मैं हूँ पेपा। एक डायनासोर। डरावना डायनासोर। क्या बात है, बहुत अच्छे बच्चों। बहुत अच्छे। मैं हूँ अंकल पिग। हेलो अंकल पिग। हेलो पेपा। ये तो बिल्कुल आपकी तरह लग रहा है। लग रहा है उन्होंने मेरा पेट बहुत बड़ा बना दिया। हो, मुझे मेरा लंच पसंद आया। अंकल पिग, क्या अब आप सो जाएंगे और हमेशा की तरह खर्राटे मारेंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? डैडी कहते हैं कि आप हमेशा सोते हैं और जोर से खर्राटे मारते हैं, ऐसे। तुम्हारे डैडी सही कहते हैं, मैं सचमुच खर्राटे मारता हूँ। डैडी पिग, आपको अंकल पिग के बारे में ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। मुझे नहीं लगता ये दोनों कुछ भी सुन रहे होंगे। डैडी पिग और अंकल पिग सो गए हैं। पता चल रहा है दोनों भाई भाई हैं। क्या हुआ? ये क्या, पपेट शो अभी तक शुरू नहीं हुआ? बीच पर पेपा और उसका परिवार बीच पर जा रहा है। पेपा और जॉर्ज को बीच पर जाना बहुत पसंद है। कितनी सारी चीजें हैं, याद रखना लौटते वक्त हमें सब कुछ साथ लेकर जाना है। तौलिए, बीच बैग, छाता, बाल्टियाँ और ये बीच बॉल। शाबाश, अब खेलना शुरू करने से पहले थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाते हैं। धूप बहुत तेज है, इसलिए पेपा और जॉर्ज को सनस्क्रीन लगाना पड़ रहा है। चलो इस बीच बॉल से खेला जाए। बड़ी उछलती है। कितना अच्छा बीच बॉल है। जॉर्ज, तुम बॉल फेंको और मैं उसे पकड़ूंगी।
अब जॉर्ज तुम पकड़ो। ओहो, जॉर्ज छोटा है इसलिए बॉल नहीं पकड़ सकता। कोई बात नहीं जॉर्ज, क्या तुम्हें और पेपा को समंदर में तैरना है? हाँ डैडी प्लीज। तो चलो अपने वाटर विंग्स पहन लो। अब तुम तैयार हो, वाटर विंग्स में तुम बहुत ही स्मार्ट दिखते हो। मेरी बारी, मेरी बारी। हो गया। अब तुम पानी में जा सकते हो। पानी ठंडा है? ये बहुत ही अच्छा और गर्म है। आराम से। आप ही ने शुरुआत की डैडी पिग। अब और कितना छिड़कोगी? डैडी मुझे बीच पर आना बहुत पसंद है। पेपा और जॉर्ज को बीच बहुत पसंद है, सभी को बीच बहुत पसंद है। पेपा, जॉर्ज, क्या तुम इन चीजों के साथ रेत में खेलना चाहोगे? हाँ मम्मी, खेलेंगे। डैडी डैडी, क्या हम आपको रेत में छुपा सकते हैं? अभी? प्लीज डैडी। ओ चलो ठीक है। ये! पेपा और जॉर्ज डैडी पिग को रेत में छुपा रहे हैं आराम से। हो गया, अब आप नहीं निकल पाओगे। मेरा सर थोड़ा गर्म हो रहा है, क्या मुझे स्ट्रॉ हैट मिलेगी? ठीक है, पहले प्लीज बोलिए। प्लीज मुझे स्ट्रॉ हैट मिलेगी? हाँ जरूर मिलेगी डैडी। अब ठीक है, अब मुझे थोड़ी नींद आ रही है। जॉर्ज चलो रेत का महल बनाते हैं। पेपा और जॉर्ज रेत के महल बना रहे हैं। जॉर्ज पहले रेत को बाल्टी में डालते हैं, ऐसे, फिर बाल्टियों को उल्टा करते हैं और ऐसे करते हैं, फिर बाल्टी को उठाते हैं। देखो बन गया, एक रेत का महल बन गया और एक रेत का महल। पेपा, जॉर्ज, घर जाना है, अपना सारा सामान लेकर आओ। चलो देखें कि हम कुछ भूले तो नहीं। तौलिए, बीच बैग, छाता और बीच बॉल, सब कुछ ले लिया। मुझे यकीन है हम पक्का कुछ भूल रहे हैं। याद आया, हम हैट भूल गए। डैडी, हम डैडी को भूल गए। हाँ, हम डैडी पिग को भूल गए। क्या क्या हुआ? डैडी, मम्मी और मैं तो आपको भूल ही गए थे, पर जॉर्ज को आपकी याद आई। मुझे खुशी है कि जॉर्ज को मेरी याद आई। साफ सफाई करना। पेपा और जॉर्ज अपने कमरे में अपने खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। जॉर्ज चलो गुड़िया और डायनासोर्स के साथ खेलते हैं। वो क्या है? एक भयंकर राक्षस है। डायनासोर। ये एक डायनासोर है, बचाओ बचाओ। डैडी पिग बाहर के कमरे में अखबार पढ़ रहे हैं, मम्मी पिग अपनी किताब पढ़ रही है। वो क्या कर रहे हैं? पेपा, जॉर्ज, क्या चल रहा है? ये इतना शोर कैसा? वो बचाओ। ये क्या हो रहा है? कितना शोर कर रहे हो? और फर्श पर ये कितना सामान पड़ा है? इस पर गिरकर किसी को चोट लग सकती है। कोई सचमुच गिरा है और उसे चोट भी लगी है। अरे बाप रे, बेचारे डैडी पिग। अब चलो बच्चों, थोड़ी साफ सफाई कर ले।
पर मम्मी, हम गुड़िया और डायनासोर से खेल रहे हैं। सफाई करने के बाद तुम खेल सकते हो। पर ये तो सारा जॉर्ज का सामान है। अच्छा, सचमुच? तो ये जॉर्ज का ही खूबसूरत ड्रेस होगा, है ना? नहीं। शायद थोड़ा सा सामान मेरा है। तो चलो, मैं सफाई करने में जॉर्ज की मदद करूंगा और मम्मी पिग पेपा की। क्यों ना हम रेस करें लड़कियां और लड़कों के बीच। बेहतरीन आइडिया है। देखते हैं पहले सफाई कौन करता है। 1, 2, 3। हम जीत रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रहा। ओह, ये क्या है? टेडी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। जल्दी पेपा, टेडी को अपने खिलौने के बक्से में रखो। डाल दिया। अब ये किताबें। बढ़िया। ये क्या है यहाँ? डायनासोर। सही कहा, डायनासोर की किताब है। ये जॉर्ज की पॉपअप किताब है। ये टायरानोसोरस रेक्स है। टायरानोसोरस रेक्स। सही कहा। तो ये तो ब्रोंटोसोरस है। ब्रोंटोसोरस। बिल्कुल सही। और ये है ट्राइसेराटॉप्स। ट्राइसेराटॉप्स। सही कहा जॉर्ज। जॉर्ज को डायनासोर्स बहुत पसंद है। डैडी, जॉर्ज, आपने सफाई करना रोक दिया है। आप रेस हार जाओगे। अरे हाँ, रेस हार जाऊंगा। चलो जॉर्ज, ये किताब वापस रख दो। डैडी, आप बहुत धीरे धीरे सफाई कर रहे हैं। मम्मी और मैं जीतने वाले हैं। नहीं, हम जीतने वाले हैं। हम जीत गए। नहीं, हम जीत गए। हम सब जीत गए। देखो कमरा कितना साफ लग रहा है। हुर्रे! कितना साफ कमरा है। सबको शाबाशी। मम्मी, अब जब हमने कमरा साफ किया है तो क्या हम गुड़िया और डायनासोर से खेल सकते हैं? हाँ, अब तुम अपना खेल शुरू कर सकते हो। यिप्पी! मेरी सारी गुड़िया कहाँ है? मिस्टर डायनासोर कहाँ है? मिल गए। डायनासोर। ये डायनासोर है। बचाओ, बचाओ। कमरा फिर से गंदा हो गया। चलो, थोड़ी देर के लिए तो साफ था। दादा पिग की बोट। दादा पिग, पेपा और जॉर्ज दिन भर नदी पर घूमने जा रहे हैं। तुम्हारा स्वागत है प्यारे बच्चों। पेपा, जॉर्ज, चलो लाइफ जैकेट्स पहन लो। दादा पिग की बोट पर पेपा और जॉर्ज को लाइफ जैकेट्स पहनने ही पड़ते हैं। पता है बच्चों, इस बोट का कैप्टन मैं हूँ। आई आई कैप्टन। आई आई कैप्टन। जब कैप्टन दादा तुम सबको कुछ करने के लिए कहते हैं तो तुम्हें वो करना चाहिए। बेवकूफी छोड़ कर। कैप्टन दादा कोई बेवकूफी वाली बात नहीं करते। बिल्कुल नहीं कैप्टन दादा। जॉर्ज, झंडा लहराओ। पेपा, बेल बजाओ। आई आई कैप्टन। दादी पिग, व्हील संभालो। आई आई कैप्टन। चलो चलते हैं। तेज चलो। शायद आपको थोड़ा धीरे चलाना चाहिए। तुमने सही कहा दादी पिग, मुझे अपना सारा पेट्रोल खत्म नहीं करना है। दादा पिग, तेज चलिए ना, अच्छा लग रहा था। जाएंगे बेटा, जाएंगे, हम बाद में तेज जाएंगे। देखिए एक और बोट। ये है दादा डॉग। वो डैनी को दिन भर नदी पर घुमाने लेकर आए हैं। कैसे हो डैनी और दादा डॉग? अहो, कैसे हो दादा पिग? हेलो डैनी। हेलो पेपा। दादा डॉग दादा पिग के बेस्ट फ्रेंड हैं।
मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी बोट अभी भी तैर रही है दादा डॉग। वो तो तुम्हारी जितनी ही पुरानी है। ये पुरानी बोट तुम्हारी जंग लगी बाल्टी से ज्यादा तेज चलती है दादा पिग। ओ अच्छा, तो चलो समुद्री डॉग रेस लगा कर देखते हैं। हारने के लिए तैयार हो जाओ पानी पिग। आप दोनों छोटे बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। दादा डॉग ने मुझे पानी पिग कहा। आपने पहले उन्हें समुद्री डॉग कहा दादा, आपको सॉरी बोलना चाहिए। अगर उसने पहले सॉरी बोला तो बोलूँगा। दादा, अपने दोस्त दादा पिग को सॉरी बोलिए, वो आपके बेस्ट फ्रेंड है ना? नहीं, वो पानी पिग है और मेरी बोट उसकी बोट से ज्यादा तेज है। अच्छा तो ठीक है समुद्री डॉग, अगले ब्रिज तक रेस लगाते हैं। तो चलो तीन तक गिनते हैं। एक, दो, तीन। तुमने बहुत जल्दी शुरू किया। मुझे पकड़ के दिखाओ पानी पिग। समुद्री डॉग, बस इतना ही तेज भगा सकते हो, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। जीत गया। ओ ये क्या, दादा पिग की बोट का पेट्रोल खत्म हो गया। बहुत होशियारी की कैप्टन दादा। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही तेज चला दी। हम वापस घर कैसे जाएंगे? वो देखिए दादा डॉग। दादा डॉग हमें खींच कर वापस ले जाएंगे। नहीं, मुझे उस समुद्री डॉग से अपनी बोट को नहीं खिंचवाना। मैंने उस पानी पिग को खींचने के लिए पूछा भी नहीं। क्या आप दोनों कभी बड़े होंगे? दादा पिग, अब दादा डॉग को सॉरी बोलिए। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें समुद्री डॉग कहा। दादा, दादा पिग को सॉरी बोलिए ना। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पानी पिग कहा। बहुत अच्छे दादा डॉग, क्या आप हमें खींच कर घर तक ले जाएंगे? और ये करने में मुझे बहुत ही खुशी होगी मैडम। इसे पकड़ो कैप्टन। ऑल राइट, स्किप आउट। दादा डॉग दादा पिग के बेस्ट फ्रेंड हैं। दादा डॉग दादा पिग की बोट को खींच कर घर ले जा रहे हैं। सबसे मजेदार बात तो ये है कि मैं रेस जीत गया। दादा पिग शरारती दादा पिग। पेपा, बेल बजाओ। आई आई कैप्टन। शॉपिंग। पेपा और जॉर्ज शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। पेपा और जॉर्ज को शॉपिंग पसंद है। जॉर्ज को ट्रॉली में बैठना बहुत पसंद है और पेपा को भी। डैडी, क्या मैं भी इस ट्रॉली में बैठ सकती हूँ? तुम इस ट्रॉली के लिए बहुत ही बड़ी हो। पर तुम शॉपिंग में मदद कर सकती हो। अरे वाह, देखो हमारी लिस्ट में चार चीजें हैं। टमाटर, नूडल्स, प्याज और फल। मैं सब ढूंढ लूंगी। इस तरफ। पेपा और जॉर्ज को शॉपिंग बहुत पसंद है। पेपा, पहले हमें टमाटर लेने हैं। मुझे दिख गए, मुझे दिख गए। ये देखो टमाटर मम्मी। शाबाश पेपा। एक, दो, तीन, चार। अब उन्हें ट्रॉली में डालो। मुझे टमाटर मिल गए। शाबाश पेपा, टमाटर लिस्ट की एक चीज मिल गई है। अब लिस्ट में दूसरी चीज क्या है? नूडल्स, डूडल्स। सही कहा जॉर्ज, लेकिन उसे नूडल्स कहते हैं। डूडल्स। नूडल्स पेपा और जॉर्ज का पसंदीदा खाना है। अब ये नूडल्स कहाँ पर मिलेंगे? मुझे दिख गए, इस तरफ। नूडल्स, देखो मम्मी, ये रहे नूडल्स। शाबाश पेपा, अब चलो जल्दी से इन्हें ट्रॉली में डालो। ठीक है मम्मी। नूडल्स। जॉर्ज, इसे कहते हैं नूडल्स। अब लिस्ट में आगे क्या है पप्पा? चिप्स। चिप्स तो लिस्ट में नहीं है। हमारे घर में बहुत सारे चिप्स हैं पप्पा। जरा याद करो। मुझे नहीं याद आ रहा डैडी। क्या तुम्हें याद है जॉर्ज? नहीं।
डायनासोर। डायनासोर? जॉर्ज, यहाँ पर डायनासोर नहीं मिलता बुद्धू। नहीं जॉर्ज, लिस्ट पर अगली चीज है प्याज। प्याज, अभी याद आया। मम्मी ये रहे। शाबाश। एक, दो, तीन, चार। प्याज। शाबाश, अपने लिस्ट की लगभग सारी चीजें मिल गई। लिस्ट की बस एक ही चीज बची है। पौधा, क्या ये लिस्ट में है? नहीं नहीं जॉर्ज, लिस्ट पर आखिरी चीज फल है। कोई बात नहीं जॉर्ज, तुम फल चुन सकते हो। फल कहाँ है? वहाँ पर। वहाँ सेब हैं, केले हैं, संतरे हैं और एक बहुत बड़ा तरबूज भी। कौन से फल लें जॉर्ज? सेब, संतरे, केले, तरबूज। इस काउंटर पर सारी चीजों के पैसे चुकते करते हैं। टमाटर, नूडल्स, प्याज, तरबूज, चॉकलेट केक। चॉकलेट केक? चॉकलेट केक? क्या ये लिस्ट में है? पेपा, क्या तुमने चॉकलेट केक ट्रॉली में रखा? नहीं मम्मी। जॉर्ज, क्या तुमने चॉकलेट केक ट्रॉली में रखा? नहीं। मैंने भी तो नहीं रखा। फिर किसने रखा? मुझे लगा पुडिंग के लिए अच्छा होगा। डैडी पिग। शरारती डैडी। सॉरी, लेकिन ये कितना यमी लग रहा है ना? यमी तो लग रहा है। ओ, हम मान लेते हैं कि वो लिस्ट में था। चॉकलेट केक। हुर्रा। मेरी बर्थडे पार्टी। आज पेपा का बर्थडे है और सुबह हो चुकी है। आज मेरा बर्थडे है। जॉर्ज उठो, मेरा बर्थडे है। आज मेरी पार्टी है और डैडी जादू दिखाने वाले हैं। जल्दी चलो जॉर्ज, मम्मी और डैडी को उठाते हैं। मम्मी पिग और डैडी पिग अभी भी सो रहे हैं। उठिए, मेरा बर्थडे है। उठिए। कितने बजे हैं? बहुत देर हो गई है। सुबह के 5 बजे हैं। हाँ, पूरा दिन खत्म हो रहा है। चलो तुम्हारे बर्थडे की तैयारी करते हैं। यप्पी। मम्मी पिग, डैडी पिग और जॉर्ज पेपा को उसका बर्थडे गिफ्ट देते हैं। हैप्पी बर्थडे पेपा। क्या है इसमें? गुड़िया का ड्रेस। मैं इसे डैडी को पहनाती हूँ। आप सबको थैंक यू। खुश रहो पेपा। मुझे नहीं पता था ये टेडी एक लड़की टेडी है। ओ डैडी, आपको नहीं पता टेडी लड़की है? मुझे अपना नया ड्रेस पसंद है, थैंक यू। कोई बात नहीं टेडी, बस इसे खराब मत करना। तुम्हें पता है आज क्या क्या होने वाला है? हाँ, मेरी बर्थडे पार्टी में मेरे दोस्त आ रहे हैं और डैडी जादू दिखाने वाले हैं। हो, किसी को पता नहीं चलेगा कि वो जादूगर तुम्हारे डैडी है। तुम सबको बताओगे कि मैं अद्भुत जादूगर हूँ। बुद्बाजाओ। हाँ, अद्भुत जादूगर। डैडी तो पूरे हफ्ते से अपने जादू के खेल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे दोस्त आ गए। पेपा के दोस्त आ गए। डैनी कैट, सूजी शीप, डैनी डॉग, रेबेका रैबिट और पेड्रो पोनी। हेलो दोस्त। चलो बच्चों, पार्टी शुरू हो रही है। डैडी पिग जादू का शो करने वाले हैं। पेपा, याद है ना तुम्हें क्या कहना है? मैं तुम्हारे सामने पेश करती हूँ एक बहुत ही अद्भुत जादूगर। जी डैडी। दोस्तों, पेश करती हूँ जादूगर डैडी। ये रही मेरी पहली ट्रिक, अब्राकाडाब्रा।
वाओ, ये तो टेडी है। मेरे अगले जादू के लिए मुझे तुम में से किसी की मदद चाहिए। मुझे एक ही चाहिए। प्यारी बच्चे, तुमने पहले हाथ उठाया। चलो अब दर्शकों को अपना नाम बताओ। सूजी शीप। देखो सूजी, ये रहे तीन बॉल, एक लाल, एक नीला और एक पीला। ठीक है। जब मैं पीछे मुड़ जाऊंगा तब तुम्हें मुझे बिना बताए एक चुनना होगा। ठीक है। क्या तुमने एक चुन ली? हाँ। आबरा का डाबरा, तुमने चुनी पीली। नहीं। आबरा का डाबरा नीली? नहीं। आबरा का डाबरा लाल? हाँ, सही जवाब। बुद्धू जादूगर डैडी, आपने तीनों रंग बता दिए। पप्पा, किसी को बताना नहीं। क्या एक और जादू देखना चाहोगे? हाँ, प्लीज। अब अपनी आंखें बंद करो, देखना नहीं है। अब जादुई शब्द बोलो, आबरा का डाबरा। आबरा का डाबरा। अब अपनी आंखें खोल दो। हुर्रे, मेरा बर्थडे केक। मोमबत्तियां बुझाओ पेपा। हुर्रे, सभी को थैंक यू। ये मेरा सबसे अच्छा बर्थडे था। प्लेग्राउंड। पेपा और जॉर्ज अपने दोस्तों के साथ प्लेग्राउंड में हैं। कैंडी कैट और पेड्रो पोनी क्लाइंबिंग फ्रेम पर हैं। रेबेका रैबिट, सूजी शीप और डैनी डॉग स्लाइड पर खेल रहे हैं। पेपा झूले पर झूल रही है। मम्मी मम्मी, झूला झुलाओ ना। तुम तैयार हो? हाँ, मुझे बहुत ऊंचा जाना है। और ऊपर मम्मी। जॉर्ज को भी झूले पर झूलना है। अब तुम्हारी बारी जॉर्ज। कस कर पकड़ो। मैं जॉर्ज को झुलाऊंगी। जॉर्ज को धीरे से झुलाना पेपा। जी मम्मी। कस के पकड़ना जॉर्ज। ओहो, पेपा ने जॉर्ज को बहुत जोर से झूला झुलाया। जॉर्ज को ये बिल्कुल पसंद नहीं। पेपा, तुम्हें पता है जॉर्ज को ऊंचाई से डर लगता है। सॉरी जॉर्ज। चलो वहाँ खेलते हैं। हेलो सूजी। हेलो डैनी। हेलो पेपा। तुम सब गलत कर रहे हो। झूलने का सही तरीका ये है। पीछे रहो। एक दो चलो। मेरी तरफ देखो, मैं पंछी की तरह उड़ रही हूँ। ओह, मैं फंस गई हूँ। पेपा टायर में फंस गई है। ये हंसने वाली बात नहीं है। हमें थोड़ी हंसी तो आ रही है। तुम्हें बाहर निकालना होगा। पेपा के दोस्त उसे बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। जॉर्ज, क्या तुम्हें क्लाइंबिंग फ्रेम पर खेलना है? क्लाइंबिंग फ्रेम बहुत ऊंची है। जॉर्ज को ऊंचाई से डर लगता है। सॉरी जॉर्ज। अच्छा चलो स्लाइड पर खेलते हैं। स्लाइड, यिप्पी। पेपा को स्लाइड करना बहुत पसंद है। सबको स्लाइड करना पसंद है। मम्मी डैडी, मुझे देखिए। एक दो चलो। ये जॉर्ज को भी स्लाइड पर खेलना है। तुम डरोगे तो नहीं ना जॉर्ज, ये थोड़ा ऊंचा है।
ठीक है, मैं तुम्हें ऊपर चढ़ा देता हूँ। ओफो, ये भी जॉर्ज के लिए बहुत ऊंचा है। डरो मत जॉर्ज, मैं साथ में स्लाइड करता हूँ। डैडी, आप इस स्लाइड के लिए बहुत बड़े हैं। कुछ भी मत कहो पेप्पा, मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ। चलो पीछे हटो, एक दो तीन। डैडी पिग फंस गए। इसमें हंसने की क्या बात है? डैडी आपको देखकर बहुत हंसी आ रही है। हाँ, शायद थोड़ी हंसी आ सकती है। हमें आपको नीचे ढकेलना होगा। डैडी का पेट उछलने वाले गुब्बारे जैसा है। जॉर्ज को डैडी के पेट पर उछलकर अच्छा लग रहा है। जॉर्ज को अब ऊंचाई से बिल्कुल डर नहीं लगता। डैडी फोटो लगा रहे हैं। मम्मी पिग और डैडी पिग के पास पेपा और जॉर्ज का एक नया फोटो है। हमें इस प्यारे से फोटो को दीवार पर लगाना चाहिए। मुझ पर छोड़ दो, मैं इस घर में सब में माहिर हूँ। आपको यकीन है आप ये कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं दीवार पर सिर्फ एक किला मार के ये फोटो उस पर टांग दूंगा। बहुत अच्छे, मैं जा रही हूँ दादी और दादा पिग से मिलने। मैं आपको बाद में मिलती हूँ। और प्लीज कचरा करके मत रखना। कचरा? बाय बाय। बाय बाय। क्या हम फोटो लगाने में आपकी मदद करें डैडी? पहले तुम देखो, तभी तो ठीक से सीख पाओगे। पहले नापने के लिए टेप लेते हैं और एक पेंसिल। यहाँ पर मैं एक किला मारूंगा। दीवार मत तोड़ देना डैडी। अब मुझे जरूरत है एक हथौड़े की और एक किले की। पीछे हट जाओ बच्चों और देखो मैं कैसे काम करता हूँ। डैडी पिग अब दीवार में कील मारने वाले हैं। दीवार मत तोड़ देना डैडी। कुछ भी बोलती हो पेप्पा, कितना आसान है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। डैडी पिग की वजह से दीवार में बड़ी दरार आ गई। ओह डैडी, आपने दीवार तोड़ दी। एक छोटी दरार ही तो है, ये फोटो उन्हें छिपा देगी। देखा, हो गया। मुझे अब भी दिख रही है डैडी। मुझे भी। एक काम करते हैं, इसे निकालते हैं और ये दरारें भर देते हैं। कचरा मत करना डैडी। कुछ भी बोलती हो पेप्पा, आ जाओ बाहर जल्दी। ओ डैडी, अब आपने सचमुच दीवार तोड़ दी। आपको लगता है मम्मी को पता चलेगा? हाँ, शायद पता चल ही जाएगा। जल्दी करो जॉर्ज। वो क्या कर रहे हैं? डैडी, हम आपको देख सकते हैं। डैडी पिग को मम्मी पिग के घर लौटने से पहले दीवार को ठीक करना होगा। एक ईंट दे दो। डैडी पिग ने पहले ईंटों से दीवार को ठीक कर दिया। देखा, हो गया। फिर डैडी पिग ने ईंटों पर प्लास्टर लगाया। हो, देखा कितना आसान है। फिर डैडी पिग ने दीवार को पेंट किया। हो गई ना पहले जैसी। दीवार पहले जैसी हो गई। पर घर में गंदगी फैल गई। अरे नहीं, मम्मी आने से पहले सारी सफाई कर देते हैं। पहले डैडी पिग ने पेपा और जॉर्ज को नहलाया। फिर पेपा ने फर्श को साफ किया और डैडी ने सामान जगह पर रख दिया। मम्मी, मम्मी पिग वापस आ गई। मम्मी,
मम्मी आ गई। सुनो, अब ऐसे दिखाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हेलो। हेलो। वैसे आप क्या कर रहे थे? ओ, कुछ भी तो नहीं। मैं देख रही हूँ कि आपने कुछ भी नहीं किया। आप तो दीवार पर फोटो लगाने वाले थे। सारी हड़बड़ी में डैडी पिग फोटो लगाना भूल ही गए। ओह। देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर ये काम तो बहुत आसान है। हो गया। बड़ी ही आसानी से लगा दिया। पर जब आपने किया तो बहुत मुश्किल लग रहा था डैडी, है ना? पापा, कहा था ना किसी को बताना नहीं। हवा महल। पेपा और उसका परिवार बाहर घूमने जा रहे हैं। पेपा, जॉर्ज, आज हम हवा महल देखने जा रहे हैं। हवा महल क्या है डैडी? ये एक महल है ऊंची पहाड़ी पर। जॉर्ज को महल अच्छे लगते हैं। हवा महल एक बहुत ही बोरिंग जगह लगती है। नहीं पेपा, तुम्हें पसंद आएगा। हवा महल के ऊपर से सब सुंदर दिखता है और तुम्हें दादा और दादी पिग का घर भी दिख सकता है। वाह, चलो चले। मैं मैप पढ़ूंगा और मम्मी पिग गाड़ी चलाएंगी। सोच लीजिए डैडी पिग, मैप पढ़ने पर आप खो जाते हो और चिड़चिड़े हो जाते हो। हम गुम नहीं होंगे और मैं चिड़चिड़ा भी नहीं होऊंगा। हवा महल हम आ रहे हैं। क्या हम आप पहुंच रहे हैं? अभी नहीं। क्यों ना हम कोई गेम खेलें? जी डैडी, हम पहचानो क्या खेलते हैं। ठीक है, पहले मैं पूछूंगा। डैडी पिग किसी चीज के बारे में क्लू देंगे और दूसरों को ये पहचानना है कि वो क्या है। मैं अपनी छोटी छोटी आँखों से कुछ लाल देख रहा हूँ, बताओ। लाल? मेरी ड्रेस, ये लाल है। नहीं, तुम्हारी ड्रेस जैसा लाल नहीं। गाड़ी। सही जवाब, अपनी लाल गाड़ी। मेरी बारी। मैं अपनी छोटी आँख से कुछ नीला देख रही हूँ। जॉर्ज की नीली शर्ट। नहीं। नीले रंग का गाड़ी में कुछ है? नहीं, हार गए। हार गए। आकाश, नीला आकाश, मैं जीत गई। डैडी पिग, क्या आपको पता है हम कहाँ हैं? मुझे बिल्कुल पता है हम कहाँ पर हैं। ये रास्ता मैप के रास्ते जैसा तो नहीं लग रहा है। ओ डैडी पिग, हम खो गए हैं। हम नहीं खोए हैं। तो हम यहाँ से हवा महल तक कैसे पहुँचेंगे? जरा एक मिनट रुको। सुनिए, हम दादा और दादी को फोन करते हैं। दादा और दादी पिग को फोन करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ले जाऊंगा हवा महल चाहे पूरा दिन लग जाए। पर हमारे पास पूरा दिन नहीं है। हेलो, दादा पिग बोल रहा हूँ। दादा पिग, हम हवा महल तक पहुँचने के रास्ते में खो गए हैं। ओ, हो, 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 क्या डैडी पिग नक्शा पढ़ रहा है? हाँ, डैडी पिग मैप पढ़ रहे हैं और अभी थोड़े चिड़चिड़े हो गए हैं। मैं चिड़चिड़ा नहीं हुआ हूँ। ये सबसे अच्छा रास्ता है। जब तक तुम्हें अपने सामने ऊपर की तरफ हवा महल दिखता नहीं, मेन रोड पर चलते जाओ। थैंक यू दादा पिग। हमें मेन रोड पकड़कर हवा महल तक पहुँचना है। जैसा मुझे लगा था। देखो, क्या वो हवा महल है? हाँ, वही है हवा महल। चलो गाड़ी। चलो गाड़ी, तुम चढ़ सकती हो। हुर्रे! पेपा और उसका परिवार हवा महल पहुंच गए। वाह, ये कितना ऊंचा है। चलो अंदर चले, ऊपर से नीचे का नजारा बहुत सुंदर दिखेगा। वाह, जरा नजारा तो देखो। मम्मी, क्या वो दादी दादा का घर है? हाँ, वही है। कितना दूर है। चलो अब दूरबीन से देखते हैं। क्या मैं पहले देख सकती हूँ प्लीज? ठीक है, लेकिन उसके बाद जॉर्ज को देखने देना। वाह, दूरबीन से सब कुछ ज्यादा बड़ा दिखता है। मुझे दादी और दादा दिख रहे हैं। देखो जॉर्ज। दादी एक, दादा एक,
जॉर्ज दादी और दादा पिग की तरफ हाथ हिला रहा है। बुद्धू जॉर्ज, दादी और दादा इतनी दूर से तुम्हें हाथ हिलाते नहीं देख सकते। तो ठीक है, हम उन्हें फोन करते हैं। हेलो दादा पिग, हम आपको हवा महल से देख सकते हैं। हमारी तरफ हाथ हिलाइए। दादी और दादा हमें हाय बोल रहे हैं। हवा महल बहुत अच्छा है। आज बारिश हो रही है, इसलिए पेपा और जॉर्ज बाहर नहीं खेल सकते। डैडी, बारिश रुक गई, अब हम बाहर खेलने जाएं? ठीक है, खेलो बाहर दोनों। पेपा को पसंद है मिट्टी के गड्ढों में कूदना। मुझे पसंद है मिट्टी के गड्ढे। पेपा, अगर तुम्हें मिट्टी के गड्ढों में कूदना है तो अपने बूट्स पहनने चाहिए। सॉरी मम्मी। जॉर्ज को भी पसंद है मिट्टी के गड्ढों में कूदना। जॉर्ज, अगर तुम्हें मिट्टी के गड्ढों में कूदना है तो तुम्हें अपने बूट्स पहनने चाहिए। पेपा अपने छोटे भाई जॉर्ज का ध्यान रखती है। जॉर्ज, आओ कुछ और गड्ढे ढूंढे। पेपा और जॉर्ज को खूब मजा आ रहा है। पेपा को मिला है एक छोटा गड्ढा, जॉर्ज को भी मिला है एक गड्ढा। देखो जॉर्ज, कितना बड़ा गड्ढा है। जॉर्ज बड़े गड्ढे में पहले कूदना चाहता है। रुको जॉर्ज, पहले मैं देख लूँ ये सुरक्षित है या नहीं। अच्छा है, ये तुम्हारे लिए सुरक्षित है। सॉरी जॉर्ज, ये बस मिट्टी तो है। पेपा और जॉर्ज को मिट्टी के गड्ढे बहुत पसंद है। आओ जॉर्ज, हम जाकर डैडी को बुलाते हैं। अरे ये क्या? डैडी, डैडी, सोचो हम क्या कर रहे थे। सोचने दो मुझे, तुम लोग टेलीविजन देख रहे थे क्या? नहीं नहीं डैडी। तुम अभी अभी नहाए हो? नहीं नहीं। ओ अच्छा, तुम मिट्टी के गड्ढों में खेल रहे थे। हाँ हाँ डैडी, हम मिट्टी के गड्ढों में खेल रहे थे। हो हो, और देखो क्या हाल किया है तुमने। ओ कोई बात नहीं, मिट्टी ही तो है। चलो जल्दी से साफ कर दे वरना मम्मी नाराज होंगी। डैडी, साफ होने के बाद आप और मम्मी हमारे साथ खेलेंगे ना? हाँ, सब गार्डन में खेल सकते हैं। पेपा और जॉर्ज ने अपने बूट पहन रखे हैं। मम्मी और डैडी ने भी अपने बूट पहन रखे हैं। पेपा को पसंद है मिट्टी के गड्ढों में कूदना। सबको पसंद है मिट्टी के गड्ढों में कूदना। ओह डैडी पिग, देखो क्या हाल बनाया है आपने। ये मिट्टी ही तो है।
न्यू शूज। पेपा और जॉर्ज गार्डन में खेल रहे हैं। पेपा, तुम्हारे जूते कहाँ हैं? ओह, वो खो गए। मुझे लगता है हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। शायद हमें गार्डन में ढूंढना चाहिए। हाँ। सब पेपा के जूते ढूंढ रहे हैं। मम्मी पिग फूलों में ढूंढ रही हैं। पेपा के जूते वहाँ नहीं हैं। ओह। डैडी पिग व्हील बैरो में ढूंढ रहे हैं। पेपा के जूते वहाँ भी नहीं हैं। ओह। पेपा और जॉर्ज गमलों में ढूंढ रहे हैं। पेपा के जूते वहाँ भी नहीं हैं। हमने सब जगह देखा लेकिन पेपा के जूते कहीं नहीं मिले। पेपा के जूते खो गए। अब मेरे पास पहनने के लिए कोई जूते नहीं है। बेचारी पेपा, तुम्हारे जूते पुराने हो गए थे। हम नए जूते ले आएंगे। क्या मेरे नए जूते लाल होंगे मम्मी? बिल्कुल लाल होंगे। जॉर्ज, मैं नए लाल जूते लेने जा रही हूँ। मम्मी पिग और पेपा मिस रैबिट्स की जूतों की दुकान में हैं। हेलो मिस रैबिट। हेलो मम्मी पिग। हमें पेपा के लिए नए जूते खरीदने हैं प्लीज। लाल जूते। जरूर, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ प्यारे जूते हैं पेपा। लाल जूते प्लीज। बिल्कुल, लाल जूते। वाव, नए लाल जूते। जॉर्ज और डैडी पिग ड्रॉट्स खेल रहे हैं। ओह, शाबाश जॉर्ज। डैडी, डैडी, मेरे नए जूते देखिए, ये लाल हैं। ओह हाँ, ये लाल हैं। मम्मी, आपको अच्छे लगे मेरे नए जूते? हाँ पेपा, इनमें तुम बहुत स्मार्ट लग रही हो। जॉर्ज, तुम्हें मेरे नए जूते अच्छे लगे? सबको पेपा के नए जूते अच्छे लगे। मुझे अपने नए जूते इतने अच्छे लगे हैं कि मैं उन्हें कभी कभी नहीं उतारूंगी। ये नहाने का समय है। पेपा ने नहाते हुए भी अपने नए जूते नहीं उतारे हैं। पेपा ने अपना पैजामा पहन लिया लेकिन उसने अभी भी अपने नए जूते पहन रखे हैं। पेपा बिस्तर में भी अपने नए जूते पहनना चाहती है। पेपा, क्या तुम पक्का अपने जूते नहीं उतारना चाहती? मैं अपने नए जूते कभी नहीं उतारूंगी मम्मी। ठीक है, गुड नाइट पेपा और जॉर्ज। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट मेरे छोटे बच्चों। पूरी रात बारिश होती रही और अब गार्डन बहुत गीला है। मम्मी पिग ने अपने बूट्स पहने हैं। डैडी पिग ने भी अपने बूट्स पहने हैं। जॉर्ज ने भी अपने बूट्स पहने हैं। पेपा ने अभी तक अपने नए लाल जूते पहन रखे हैं। जॉर्ज गीली घास में खेल रहा है। ओह डियर, पेपा को गीली घास में खेलना अच्छा लगता है लेकिन वो अपने नए जूते गीले नहीं करना चाहती। मैं गीली घास में नहीं खेल सकती जॉर्ज। जॉर्ज को मिट्टी के गड्ढों में कूदना पसंद है। पेपा को गड्ढों में कूदना पसंद है लेकिन वो अपने नए जूते मिट्टी में गीले नहीं करना चाहती। मम्मी और डैडी को मिट्टी के गड्ढों में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है। सबको मिट्टी के गड्ढों में कूदना अच्छा लगता है। ये पेपा कहाँ जा रही है? पेपा अपने बूट्स पहन रही है। अगर मिट्टी के गड्ढों में कूदना है तो तुम्हें बूट्स पहनने चाहिए। सीक्रेट्स। मम्मी पिग ने पेपा के लिए एक खास बॉक्स बनाया है। पेपा, ये बॉक्स सिर्फ तुम्हारे लिए है। शुक्रिया मम्मी। ये एक सीक्रेट बॉक्स है तुम्हारी सीक्रेट चीजें रखने के लिए। मैं इसमें कौन सी चीज रख सकती हूँ मम्मी? वो तुम खुद ही सोचो पेपा, ये तुम्हारा सीक्रेट बॉक्स है। मैं जानती हूँ मैं इसमें क्या रख सकती हूँ। गुड,
पर मुझे मत बताना। मैं ना आपको बताऊंगी, ना जॉर्ज को, ना डैडी को, ये एक सीक्रेट है। जॉर्ज, ये मेरा सीक्रेट बॉक्स है। ये खाली है, इसके अंदर रखने के लिए मुझे कुछ ढूंढना है। जॉर्ज पेपा की मदद करना चाहता है। नहीं जॉर्ज, सिर्फ मुझे पता होगा बॉक्स में क्या है। जब तक मैं पसंद करूँ, तुम बाहर इंतजार करो। पेपा ने बॉक्स में रखने के लिए कुछ सीक्रेट चीजें पसंद की हैं। अब मेरा सीक्रेट बॉक्स भरा है। जॉर्ज, तुम्हें इसके अंदर नहीं देखना चाहिए। जॉर्ज को जानना है कि पेपा के सीक्रेट बॉक्स में क्या है। अगर तुम चाहो तो गेस कर सकते हो। जॉर्ज को लगता है कि पेपा ने बॉक्स में एक डायनासोर को रखा है। ओह जॉर्ज, तुम हमेशा हर चीज को डायनासोर ही कहते हो। और मैं तुम्हें बता दूं, एक डायनासोर इस बॉक्स में कभी भी नहीं बैठ सकता। जॉर्ज पता नहीं लगा पा रहा है कि सीक्रेट बॉक्स में क्या है। डैडी पिग एक तस्वीर साफ कर रहे हैं। डैडी, ये मेरा सीक्रेट बॉक्स है, मम्मी ने इसे मेरे लिए बनाया है। ये बहुत अच्छा है पेपा, इसके अंदर क्या है? ये एक सीक्रेट है। जॉर्ज ने पता लगाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं बता पाया। क्या मैं कोशिश करूं? हाँ। क्या तुमने मेरा चश्मा अंदर रखा है? नहीं, आपका चश्मा तो आपके सिर पर है। हाँ वो है। अब भी ना डैडी, आपको सोचकर बताना चाहिए था। क्या तुमने अपनी मम्मी के जूते बॉक्स में रखे हैं? नहीं, और आप इससे ज्यादा नहीं सोच सकते। पेपा को सीक्रेट पसंद है। मम्मी, किसी को नहीं पता मेरे बॉक्स में क्या है। ओह, जॉर्ज के पास क्या है? मैंने जॉर्ज के लिए भी एक बॉक्स बनाया था और इसने उसे सीक्रेट चीजों से भर दिया, और सिर्फ जॉर्ज को पता है कि उसके अंदर क्या है। ओह, पेपा जानना चाहती थी कि जॉर्ज के बॉक्स के अंदर क्या है। ये जरूर जॉर्ज का खिलौना डायनासोर है। नहीं, जॉर्ज का खिलौना डायनासोर जॉर्ज के बॉक्स में नहीं है। ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं बता सकती। पेपा को सीक्रेट्स अब इतने पसंद नहीं है जितने उसे पहले थे। अगर तुम जॉर्ज को अपनी बॉक्स से एक चीज दिखाती तो वो भी तुम्हें अपनी एक चीज दिखाता। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा एक साथ करना होगा। ये एक अच्छा आइडिया है। तीन गिनने पर तुम दोनों दिखाओगे तुम्हारे बॉक्सेस में क्या है। तैयार? हाँ। एक, दो, तीन। जॉर्ज के पास है ड्रम और पेपा के पास है ट्रम्पेट। ओ, अच्छा है। हाँ, इसकी आवाज बहुत अच्छी है। क्या तुम्हारे पास और सीक्रेट चीजें हैं? जॉर्ज के पास एक कस्टर्ड डोनट है। ओ। लेकिन पेपा का बॉक्स खाली है। मेरे पास और कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं पेपा, मेरे पास है, ये लो। जॉर्ज, पेपा, मम्मी पिग और डैडी पिग सब। सीक्रेट्स। मम्मी पिग ने पेपा के लिए एक खास बॉक्स बनाया है। पेपा, ये बॉक्स सिर्फ तुम्हारे लिए है। शुक्रिया मम्मी। ये एक सीक्रेट बॉक्स है तुम्हारी सीक्रेट चीजें रखने के लिए। मैं इसमें कौन सी चीज रख सकती हूँ मम्मी? वो तुम खुद ही सोचो पेपा, ये तुम्हारा सीक्रेट बॉक्स है। मैं जानती हूँ मैं इसमें क्या रख सकती हूँ। गुड, पर मुझे मत बताना। मैं ना आपको बताऊंगी, ना जॉर्ज को, ना डैडी को, ये एक सीक्रेट है। जॉर्ज, ये मेरा सीक्रेट बॉक्स है। ये खाली है, इसके अंदर रखने के लिए मुझे कुछ ढूंढना है। जॉर्ज पेपा की मदद करना चाहता है। नहीं जॉर्ज, सिर्फ मुझे पता होगा बॉक्स में क्या है। जब तक मैं पसंद करूं, तुम बाहर इंतजार करो। पेपा ने बॉक्स में रखने के लिए कुछ सीक्रेट चीजें पसंद की हैं। अब मेरा सीक्रेट बॉक्स भरा है। जॉर्ज, तुम्हें इसके अंदर नहीं देखना चाहिए। जॉर्ज को जानना है कि पेपा के सीक्रेट बॉक्स में क्या है। अगर तुम चाहो तो गेस कर सकते हो। ये
खुश हो? जॉर्ज को लगता है कि पेपा ने बॉक्स में एक डायनासोर को रखा है। ओह जॉर्ज, तुम हमेशा हर चीज को डायनासोर ही कहते हो। और मैं तुम्हें बता दूं, एक डायनासोर इस बॉक्स में कभी भी नहीं बैठ सकता। जॉर्ज पता नहीं लगा पा रहा है कि सीक्रेट बॉक्स में क्या है। डैडी पिग एक तस्वीर साफ कर रहे हैं। डैडी, ये मेरा सीक्रेट बॉक्स है, मम्मी ने इसे मेरे लिए बनाया है। ये बहुत अच्छा है पेपा, इसके अंदर क्या है? ये एक सीक्रेट है, जॉर्ज ने पता लगाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं बता पाया। क्या मैं कोशिश करूँ? हाँ। क्या तुमने मेरा चश्मा अंदर रखा है? नहीं, आपका चश्मा तो आपके सिर पर है। हाँ वो है। आप भी ना डैडी, आपको सोचकर बताना चाहिए था। क्या तुमने अपनी मम्मी के जूते बॉक्स में रखे हैं? नहीं, और आप इससे ज्यादा नहीं सोच सकते। पेपा को सीक्रेट पसंद है। मम्मी, किसी को नहीं पता मेरे बॉक्स में क्या है। ओह, जॉर्ज के पास क्या है? मैंने जॉर्ज के लिए भी एक बॉक्स बनाया था और इसने उसे सीक्रेट चीजों से भर दिया, और सिर्फ जॉर्ज को पता है कि उसके अंदर क्या है। ओह। पेपा जानना चाहती थी कि जॉर्ज के बॉक्स के अंदर क्या है। ये जरूर जॉर्ज का खिलौना डायनासोर है। नहीं, जॉर्ज का खिलौना डायनासोर जॉर्ज के बॉक्स में नहीं है। ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं बता सकती। पेपा को सीक्रेट सब इतने पसंद नहीं है जितने उसे पहले थे। अगर तुम जॉर्ज को अपनी बॉक्स से एक चीज दिखाती तो वो भी तुम्हें अपनी एक चीज दिखाता। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा एक साथ करना होगा। ये एक अच्छा आइडिया है। तीन गिनने पर तुम दोनों दिखाओ कि तुम्हारे बॉक्सेस में क्या है। तैयार? हाँ। एक, दो, तीन। जॉर्ज के पास है ड्रम और पेपा के पास है ट्रम्पेट। हाँ, इसकी आवाज बहुत अच्छी है। क्या तुम्हारे पास और सीक्रेट चीजें हैं? जॉर्ज के पास एक कस्टर्ड डोनट है। ओह। लेकिन पेपा का बॉक्स खाली है। मेरे पास और कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं पेपा, मेरे पास है, ये लो। जॉर्ज, पेपा, मम्मी पिग और डैडी पिग सबको कस्टर्ड डोनट्स पसंद हैं। मेरे पास कोई खास बॉक्स नहीं है, मेरे पास एक बहुत अच्छी जगह है अपने कस्टर्ड डोनट छुपाने की। क्या तुम बता सकते हो कहाँ? आप उसे छुपाने वाले हैं फ्रिज में? नहीं, कहीं उससे ज्यादा खास, मेरा पेट। स्वादिष्ट। और मैं अपना डोनट अपने पेट में छुपाऊंगी। और मैं भी।